जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, राधा गुरु जी, शुक्राना अनंतम, शुक्राना गुरु जी, बड़े मंदिर बुलाने का, सारी संगत को लेके जाने का, लख लख शुक्राना, बस सेवा देने के लिए शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, दरबार में बुलाने का शुक्राना है गुरु जी, हम सब संगत को इकट्ठा करके अपने साथ ले जाने का शुक्राना है गुरु जी, हम सब अच्छे अच्छे से जाएं, अच्छे गुरु जी, हम अपने मायके जा रहे हैं, अपने दरबार में बुलाने का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के कृपा से लखनऊ की संगत गुरु जी का दर्शन करने बड़े मंदिर निकल पड़ी है। आप देख रहे हैं बस में सारी संगत बैठने जा रही है। गुरु जी का लख लख शुक्राना बड़े मंदिर बुलाने का और दर्शन देने का। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, ऐसे सत्संग बहुत कम देखने सुनने को मिलते हैं। पूरा सत्संग ध्यान से देखिए, बस में सत्संग भी होता है और पूरी संगत बड़े मंदिर भी पहुंचती है, दर्शन भी होता है, सब कुछ यहाँ देखने को सुनने को आपको मिलेगा। बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल ब्लेसिंग भरा सत्संग है। चलिए आगे सुनते हैं और पूरा सत्संग बस में देखते हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना, ऐसे ही सारी संगत को गुरु जी बड़े मंदिर हमेशा बुलाते रहें और अपना आशीर्वाद देते रहें। जय गुरु जी। मित्र सब वही है और हर जगह रक्षा भी वही करते हैं, जहाँ जाओ उनको साथ लेके जाती हूँ एंड हमेशा कहते गुरु जी आप मेरे रखनहार हो। ये नहीं है अभी भी जाओ कहीं अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, बट देयर एक अंदर एक सेटिस्फैक्शन है दैट इज देयर विद मी एंड इज गोइंग टू टेक केयर अबाउट एवरीथिंग। सो आई स्टार्ट माई जर्नी विद गुरु जी, आई बो माई हेड, थैंक यू गुरु जी फॉर कॉलिंग अस, टेकिंग अस अंडर योर शरण, पल पल शुक्राना गुरु जी, हर उस समय का, हर उस घड़ी का जो आपने हमें अपने साथ रखा, हमें संभाला। हमें गुरु जी के बारे में थोड़ा सा पहले पता था, हमारे जो एक रिलेटिव से वो फ्रेंड्स से जाते थे, बट कुछ इतना ध्यान नहीं दिया कि आजकल के जमाने में गुरु को कोई नेम मानता। बट इन 2009 दे कॉल्ड अस फॉर द सत्संग एंड हम कहीं बाहर जा रहे थे तो हमने सोचा माथा टेक के निकल जाएंगे, बट व्हेन वी वेंट फॉर द सत्संग इट वाज द मोमेंट वी एंटर द हॉल, इट वाज सो ब्यूटीफुल, द ऑरा वाज सो पॉजिटिव, द डेकोरेशन एंड गुरु जी का स्वरूप ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं कोई एक बहुत ही कोई एक वाइट लाइट सी जैसे सब तरफ एक नजर आ रही थी गुरु जी के स्वरूप पे, गद्दी पे। सो एंड बिफोर कमिंग टू गुरु जी आई वॉज इन टू चांटिंग और मुझे लगता था कि उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। तो जब हम ये सत्संग पे गए, सब कुछ गया, पहली बारी लंगर खाया, चाय नहीं चाय प्रसाद भी, एंड जब हम अंदर गए तो अनिल हंसराज जी का लाइव शब्द चल रहा था, एंड वो सिंगिंग गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा गोविंद, आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली, बट मुझे लगा और शब्द कहीं कहीं सुना भी था, बट आई वॉज नॉट दैट कनेक्टेड टू गुरबानी। ये भी गुरु जी की मेहर है कि उन्होंने मुझे, जब से उनके साथ जुड़ी हूँ मुझे गुरबानी के साथ उन्होंने ही जोड़ा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस शब्द को पता नहीं कब से सुनती आ रही हूँ और जैसे ये शब्द जैसे बोल वो गाई जा रही, तो मुझे लग रहा था एक एक वर्ड उस शब्द का मेरे एक बॉडी के अंदर रोम रोम में वो समाता जा रहा है, इतना सुंदर उस टाइम मुझे वो शब्द लगा। वहां पर शब्द के बाद हमने सत्संग सुने पुरानी संगत के, नारंग अंकल, साइकिल आंटी, तुरंकल अंकल के बाद, और आई कुड, मेरे को थोड़ा सा कनेक्शन में टाइम लग गया, इट वॉज एवरीथिंग वॉज वेरी ब्यूटिफुल, द ऑरा वॉज वेरी गुड, सो आई वॉज लुकिंग एट माई हस्बैंड की अभी को बोलेंगे चलने के लिए, बट एवरी टाइम आई लुक्ड एट हिम, ही सेड नहीं बैठ जाओ। फिर हम लंगर खा के निकले और पहले ही सत्संग पे हमें वी गॉट अ वेरी ब्यूटिफुल स्वरूप ऑफ गुरु जी एंड अ ग्रंथ बाय रघुवीर राय अंकल, जो बड़ा उनका ग्रंथ है गुरु जी का, हमें वो मिला। सो फर्स्ट शुक्राना गुरु जी का हमें अपने पास बुलाया, दूसरा शुक्राना जो हमें उनके पास लेके गए, गुरु जी कहते हैं कि उनका शुक्राना बहुत जरूरी है जिन्होंने आपको मेरे साथ जोड़ा, सो उनका बहुत बहुत शुक्राना उन अंकल का, उन आंटी का जिन्होंने हमें गुरु जी के पास इस इतनी सुंदर ब्यूटिफुल जर्नी नेम्ड गुरु जी, हमें उसके साथ गुरु जी ने जोड़ा। सो उसके बाद तो बस एक यही था जी, तुना फटा सदिमा असार जाना सी। सो आफ्टर अटेंडिंग सत्संग लिटिल बी नो कि हमारा टाइम आ गया है, और गुरु जी भी कहते ना कि मैं अपना भक्त नहीं छोड़ता, कि क्यों हमारे जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आनी थी
एंड जिन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा था उन्होंने मुझे बोला उस दिन कि गुरुजी जब चोले में थे वो बोल के गए थे उनको कि जितने तुम्हारे नंबर फोन नंबर में जितने भी जिन लोगों के नंबर्स हैं वो एक दिन सब मेरे पास आएंगे। तो शी सेड मैं हंसी थी गुरुजी कौन आएगा आपके पास अभी तो इतनी थोड़ी संगत होती है कहती बट आज मेरे फोन में जितने मेरे रिलेटिव्स मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं धीरे धीरे करके एवरीवन हैज स्टार्टेड कमिंग टू गुरुजी। सो गुरुजी का स्वरूप मिला और हमारा टाइम आ गया था गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ लाइफ। सो जो स्वरूप हमें मिला मैंने घर आके थोड़े टाइम के लिए हमारी एक लॉबी थी उस पर रख दिया एंड इट वॉज नॉट अ फ्रेम स्वरूप तो बट ऑरा इतना ब्यूटिफुल था आते जाते गुड मॉर्निंग गुड नाइट गुरुजी कर देती थी बट पता नहीं मेरा शायद अभी कनेक्शन का टाइम नहीं था मुझे लगा कि शायद मैं बेअदबी कर रही हूँ बिकॉज अभी हम इनको मानते नहीं है एंड वाई शुड बी कीप स्वरूप इनका यहाँ पे रखने के लिए। सो आई टुक दैट स्वरूप फोल्डेड डिड इट एंड केप्ट इट इनसाइड अंदर रख दिया मैंने और काफी टाइम साल भर बिल्कुल भूल भी गए उसका रखे धीरे धीरे गुरु जी की कोई इक्की दुख कोई कभी कोई बोल देता था तो बोल देते थे हाँ अच्छा अच्छा वो गुरु जी। सो नाउ अवर एक्चुअल जर्नी स्टार्टेड इन 2010 मेरे बेटे को एडमिशन मिली होटल मैनेजमेंट कोर्स में एंड हमने उसको छोड़ने जाना था उदयपुर नई कार खरीदी थी और ऑन द वे अवर कार मेट विद इन अ वेरी वेरी बैड एक्सीडेंट माई सन वॉज ड्राइविंग एक गाय गाड़ी के आगे आ गई और पूरी गाड़ी हमारी आगे से डैमेज हो गई थी एंड बट लकीली एयर बैग नहीं खुले थे एंड वहाँ के लोगों ने जो दो तीन लोग आए उन्होंने बोला आप यहाँ से निकल जाइए बिकॉज यहाँ पे कोई भी आके बोल देगा ये गाय उनकी है और आपसे ऐसे ही पैसे ऐठेंगे तो आपकी अगर गाड़ी स्टार्ट होती है तो आप निकल जाए। हमें उम्मीद नहीं थी गाड़ी स्टार्ट होगी बट क्योंकि एयर बैग नहीं खुले थे गाड़ी स्टार्टेड धीरे धीरे करके हम भीलवाड़ा तक आए। सो दिस वॉज द फर्स्ट कि गुरुजी ने हमें तब भी हमें इतना नहीं पता ध्यान नहीं आया कि क्योंकि गुरुजी हमारी लाइफ में आ चुके हैं और उन्होंने हमारी रक्षा करी। बाद में हमने बहुत टाइम बाद रियलाइज करा कि वो जो एक्सीडेंट हुआ उसमें गुरुजी हमारे घर आ चुके थे तो शायद और उन्होंने ही हमें वो लाइफ दी नहीं तो कार का बुरा हाल था शायद जो आगे बैठे थे वो तो कभी बचते ही ना। सो देन अगेन इन 2010 सितंबर मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के सत्संग में बुलाया एंड जब मैं वहाँ गई और देखा गुरुजी का स्वरूप एंड फिर मुझे लगा ये तो वही सेम उसने मुझे कहा कि आइए गुरबानी होती है तो व्हेन आई वेंट देयर से सेम गुरुजी। सो दिस टाइम जब मैं उसके घर गई तो मेरे इट वाज द ये टाइम था कि जब माय हस्बैंड वाज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ फेज इन हिज लाइफ वो कंस्ट्रक्शन में थे एंड जो जिस क्लाइंट के लिए वो बना रहे थे फ्लैट्स ही वाज उसके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत था उनके और मेरे हस्बैंड के अंदर और वो दैट क्लाइंट स्टार्टेड थ्रेटनिंग हिम विद वेरी बैड कॉन्सिक्वेंसेस एंड कोई ड्यू पेमेंट्स भी नहीं दे रहे थे। मोर एवर एक मेरे अंकल माय मामा जी वाज ऑन डेथ बेड ही वाज अ स्पेशल चाइल्ड उनको मुक्ति नहीं मिल रही थी एंड ही वाज इन अ डीप पेन। सो जब मैं उस सत्संग में गई आई जस्ट प्रेड टू गुरुजी आप पहले भी आपके पास आई और अब आप दोबारा मैं आपके पास मुझे नहीं पता था कि आप ही हो गए मैं तो बिना किसी सोच के यहाँ आ गई और प्लीज़ इतना आपके बारे में बीच बीच में सुन भी रही हूँ कि आप मिरेकल्स करते हो तो आप प्लीज़ ये मेरे हस्बैंड की इतनी प्रॉब्लम चल रही है आप वो ठीक करो मेरे मामा जी को मुक्ति दो मैं आपके मंदिर आऊँ। सो आफ्टर दैट मैं आई थिंक आफ्टर दैट 3 or 4 days जो प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड की चल रही थी टाइम के साथ वो धीरे धीरे सॉर्ट होनी शुरू हो गई और जो माय अंकल लेफ्ट फॉर हिज फैमिली अबाउट वेरी पीसफुली ही डाइड। सो ऑन 13 September 2010 हम पहली बारी हेवन ऑन अर्थ बड़े मंदिर वी वेंट टू मंदिर बड़ा मंदिर इट वॉज मंडे एंड व्हेन आई एंटर द हॉल द फर्स्ट थिंग आई आस्क गुरुजी कि उस टाइम मेरे हस्बैंड थोड़ा ड्रिंक भी करते थे और गुस्सा बहुत करते थे तो ऐसे ही जैसे ही हॉल एंटर करा आई जस्ट प्रे टू गुरुजी आप मेरे हस्बैंड का गुस्सा कम करो थोड़ी ड्रिंक कम करो तो मैं आपको मानूंगी बिकॉज कनेक्शन नहीं था जाते ही पहले एक ये शर्त रखती गुरुजी के आगे। सो देन एनीवे वी स्टार्टेड गोइंग टू मंदिर ऑन मंडेज एज गुरुजी फिक्स कर देते हैं अपने भगत का दिन जो भी पुरानी संगत भी बोलती है कि उनके गुरुजी डेज फिक्स करते थे तो गुरुजी ने हमारे लिए मंडे और थर्सडे फिक्स करा। सो वी स्टार्टेड गोइंग टू मंडे एंड थर्सडे टू मंदिर और पहला लंगर हमने मंदिर में थर्सडे को करा और उसमें जो दाल थी वो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल सूट नहीं करती थी तो मैं देख रही थी कि बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी बट उस दिन के बाद और आज तक वो दाल खाने के बाद उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद बड़े मंदिर जाना शुरू हुआ सेवा शुरू हुई एंड जिन्होंने हमें गुरुजी के साथ जोड़ा
इस ब्यूटीफुल पाथ पे जोड़ा, उन्होंने एक दिन हमें मंदिर मिले और सत्संग करने के लिए बोला। सो मैंने बोला कि अभी हम सितंबर में जुड़े हैं, नवंबर में तो अभी हम कर भी नहीं सकते, वी डोंट नो एनीथिंग, हमें कुछ मालूम नहीं, आपने क्या करना है, दिस इज अ मैसेज फ्रॉम गुरुजी, गुरुजी के दरबार में खड़ा हूँ एंड गुरुजी इज टेलिंग मी टू टेल यू टू डू अ सत्संग। फिर सत्संग हमने फर्स्ट सत्संग 21 नवंबर 2010 को किया, घर में गुरुजी आया, गुरुजी का स्वरूप नहीं था क्योंकि जो मिला था वो तो मैंने फोल्ड करके रख दिया था, जो मुझे मिल ही नहीं रहा था। सो आई टोल्ड माय हस्बैंड कि सत्संग करना है, वी यू हैव टू गेट अ स्वरूप। सो मेरे हस्बैंड भी चले गए लेने के लिए स्वरूप, और जब वो लेके आए स्वरूप हमने नहीं खोला, सत्संग वाले दिन सुबह ही वो स्वरूप आया, शाम को सत्संग था और जब हमने दरबार का वो लोग आए, उन्होंने थोड़ा सा डेकोरेशन करे, जब हमने स्वरूप खोला तो वही स्वरूप जो पहली बारी हमें मिला था सेम जगह आके लगा, जहाँ जो एक बिना फ्रेम के स्वरूप मैंने गुरुजी का लॉबी में लगाया था, वो गुरुजी का जब स्वरूप आया सेम स्वरूप आया और उसी जगह लगा जहाँ पहली बारी मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा था। और बाद में वही गुरुजी ने उस घर में अपना स्थान चुना बैठने के लिए, और वहीं पे उन्होंने अपना मंदिर, एक छोटा सा दरबार भी वहीं पे बनवा लिया गुरुजी ने। हम जब तक हम उस घर में रहे वो गुरुजी का दरबार ही बना रहा। इसके बाद हमारी जर्नी और आगे बढ़ती चलेगी। देन बिकॉज आई वॉज इन टू चांटिंग, तो मुझे लगा कि मैं चांटिंग छोड़ना चाहती हूँ, एंड बिकॉज दो जगह शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे ड्रीम्स आने भी शुरू हो गए। कभी येलो स्नेक्स आ रहे थे ड्रीम में, कभी मुझे लग रहा था मतलब चांटिंग जिसके सामने मैं कॉन्सर्न कर रही हूँ वो ऐसे जल रहा है। सो आई यू नो संगत जी, आप बुद्धिज्म चांटिंग करते हो तो जो आपके लीडर्स होते हैं तो वो आपको बहुत यू नो जब वेन यू वॉन्ट टू लीव इट, तो मुझे लगा वो बहुत बड़ा मुझे लेक्चर देंगे कि आप क्यों छोड़ रहे हो, यू आर क्रिएटिंग अ बैड कर्मास फॉर योरसेल्फ। खैर मैंने गुरुजी को अरदास करके, गुरुजी मुझे छोड़नी है सो अब आप देखें। सो आई कॉल द लीडर्स जो आए कॉन्सर्न लेने। सो जो लेने आई, एक लेडी आई लेने, मेरी लीडर जो थी, तो शी सेड गुरुजी का स्वरूप देख के उसने बोला कि आप ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। मैंने कहा हाँ जी, कहते हाँ मैं भी एक बार इनके पास गई थी एंड ही टोल्ड मी टू कम अगेन, बट मेरी शायद जो डेस्टिनी थी एंड आई फाइंड पीस इन चांटिंग, बट यू आर गोइंग टू अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, कीप गोइंग एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट गुरुजी फेस और उसका फेस कि मैंने सोचा था पता नहीं मुझे क्या बोलेगा इन चीज़ में कि आप बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं और आप प्लीज स्टे ब्लेस्ड। सो इसी तरह मैंने अपना वापस कर दिया अपना कॉन्सर्न एंड गुरुजी की जर्नी, ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट हो गई। नाउ इन दिसंबर मेरे हस्बैंड को, अंकल को मौका मिला डुगरी जाने का, जिन्होंने हमें साथ जोड़ा था, तो उन्होंने बोला कि हमें गुरुजी का हुक्म है कि हमने कोई पुरानी संगत के सत्संग रिकॉर्ड करने हैं, तो अंकल आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते। सो मेरे हस्बैंड चले गए उनके साथ, ड्राइव करके जाना था। सो ही मेट ऑल पुरानी संगत, पर वो भी गुरुजी का एक तरीका था, बिकॉज आगे जो मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम आनी थी उसके लिए शायद वो गुरुजी की मेडिसिन से सत्संग सुनवा रहे थे, रिकॉर्ड सत्संग करवा रहे थे, मंदिर टुकड़ी मंदिर जलंधर मंदिर पुरानी संगत के बैठ के सारे वो सत्संग सुन रहे थे, इट वॉज हिज मेडिसिन। क्योंकि जैसे ही जब वो वापस आए एंड 31 दिसंबर को ही गॉट सेवा इन मंदिर, जल प्रसाद सेवा उनको मिल गई थी, बट जब वापस आए तो ही हैड लिटिल फीवर। तो जब घाट पर सेवा करी अगले दिन 1 जनवरी को जब वापस आए तो फीवर काफ़ी बढ़ गया था, एंड हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे वो भी नहीं थे, ही वॉज ऑल्सो इन हॉस्पिटल, कुछ उनको भी प्रॉब्लम हो गई थी। सो हमने एक लोकल डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करा एंड उसने कुछ टेस्ट बोले, हमने टेस्ट कराए बट वो टेस्ट सारे नेगेटिव आए। सो ऑल द टेस्ट, चिकनगुनिया, डेंगू, टाइफाइड, टीबी, सब टेस्ट नेगेटिव आए, कुछ नहीं निकला। बट देन ऑन 7th-8th January को हालत इतनी खराब हो गई, ही कुड नॉट स्टैंड, द फीवर वॉज 105। सो आई कॉल द डॉक्टर अगेन, ही सेज यू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, आप इनको हॉस्पिटल एडमिट करा दीजिए। सो हमने उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया, अगेन द सेम थिंग, द सेम प्रोसेस स्टार्टेड, ऑल द टेस्ट, बट एवरीथिंग वॉज नेगेटिव, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, बट एंड ही स्टार्टेड लूजिंग वेट। सो 1st January से लेके 18 January तक he was not well and he lost about 19 kgs of weight and he was just became a skeleton, do jane utke chalate the bithate। so is dauran jab hum hospital mein the to hame nahi malum tha ki kahan se koi sangat kisko pata jaye, tab itna kisi ko jante nahi the, sangat started coming to hospital uncle ko milne ke liye, koi prasad lata tha and purani sangat koi aake baith ke satsang karta tha, koi raat ko rehte the na, reh bhi jate the ki nahi aaj hum rahenge।
सो लेकिन कुछ उसका हमें नहीं डायग्नोज हो पा रहा था कि फीवर क्यों हो रहा है बार बार, ये क्यों नहीं नीचे आ रहा। सो इस दौरान एक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, वो आए हॉस्पिटल में और इनका अपने साथ एक फ्रेंड, उनका डॉक्टर फ्रेंड थे वो साथ आए, तो उन्होंने बोला कि मुझे लगता है दिस इज अ ड्रग इंड्यूस्ड फीवर, आप ड्रग्स देने बंद करेंगे तो ये फीवर उतर जाएगा। सो ही जस्ट स्पोक विद द डॉक्टर्स, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे उनसे बात करी, बट दे वर रिलक्टेंट, दे सेड नहीं, दिस स्टार्ट विद स्टेरॉइड्स। मेरे हस्बैंड ने स्टेरॉइड लेने से मना कर दिया। तो दिस इज, आप रिक्वेस्ट करी उन्होंने कि आप एक बार ड्रग्स छोड़ के देखिए, आई एम श्योर फीवर उतर जाएगा। सो खैर उन्होंने एक दिन ड्रग्स नहीं दिए मेडिसिन, फीवर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। सो लास्ट डे बचा था, दे सेड कि ठीक है हमने सब टेस्ट करे एंड एक टेस्ट रह गया क्लोनोस्कोपी। नॉर्मली दैट टेस्ट वी डू इट आप 58-60 की एज में करते हैं, बट सिंस यू आर द हॉस्पिटल एंड कोई डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, लेट्स डू दिस टेस्ट ऑल्सो। तो जब उन्होंने क्लोनोस्कोपी करी एंड जब रिजल्ट आया, तो द डॉक्टर सेड जिसने क्लोनोस्कोपी करी थी कि चाचा साहब डोंट रीड बिटवीन द लाइंस, आपकी हमने क्लोनोस्कोपी करी, एवरीथिंग इज फाइन, यू आर परफेक्ट, बट एक हमें टिश्यू मिला है जो कभी भी, इट कुड हैव बीन अ कैंसेरियस टिश्यू, बट हो सकता था, नहीं हो सकता, कुछ ऐसा आपको घबराने की बात है, एवरीथिंग इज फाइन, हमने वो टिश्यू बायोप्सी के लिए भेज दिया। सो देन वी केम होम, इट वॉज माई डॉक्टर्स बर्थडे, शी इंसिस्टेड दैट पापा को घर लेके जाना है, डॉक्टर्स ने भी दे दिया, फीवर भी थोड़ा कम होना शुरू हो गया था, तो वी केम बैक होम। जब घर आए और रिपोर्ट भी आ गई और एवरीथिंग वॉज फाइन, तो घर आने के बाद संगत जी, आपका आज मैं सत्संग का पढ़ी थी, सेवा सिमरन संगत सत्संग, तो यही तीन चीजें, संगत आती थी हमारे घर, हमें नहीं पता कहाँ से आती थी, लंगर जो बना होता था हम एज अ लंगर संगत के साथ शेयर करते थे, सत्संग, इतनी पुरानी संगत जिनको हम जानते भी नहीं थे, आई डोंट नो गुरु जी कहाँ से भेजते थे, दिस यूज टू सिट विद माई अंकल, सत्संग सुनाते थे एंड लंगर एंड सेवा, तो चलो जो शायद वो मेरी सेवा थी, जो लोग संगत आ रही थी उनकी सेवा कर रही थी मैं। सो दीज थ्री थिंग्स, लंगर, सेवा, सत्संग, और शब्द तो सारा दिन चलते ही रहते थे घर में। जिस डॉक्टर्स ने बोला था माई हस्बैंड विल टेक अबाउट 4-5 months टू गेट बैक टू नॉर्मल, He was up in 3-4 weeks. तो जब संगत आती थी तो there was this uncle, he is no more now, भाटिया uncle, God sent, करके गुरुजी sent angel to our life. He used to come every day, और वो जो भी कुछ हमारे friends मिलने आते थे उनके साथ अपने सत्संग शेयर करते थे जो गुरुजी के बारे में जानते भी नहीं थे, और धीरे धीरे वो भी गुरुजी के साथ जुड़ना शुरू हो गया। आज हर जो मेरे friends आए, सब everyone is connected to Guruji. सो अंकल उनके साथ सत्संग करते थे एंड दे यूज टू से कि अंकल आपको पैसे पता कि हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है। सो गुरुजी ने बहुत संगत को जोड़ा उस दौरान। तो जब इट वॉज 26 जनवरी एंड मल्लू फार्म में एक बार बहुत बड़ा सत्संग हुआ, जिन्होंने हमें जोड़ा था उन्होंने करा, आई वेंट फॉर, आई टुक अ फ्लावर डेकोरेशन, मैंने कहा बिको थोड़ी आप सेवा दीजिए, वहां पर रघुवीर अंकल ने सत्संग करा एंड जब वो सत्संग कर रहे थे आई हैड टीयर्स इन माई आईज बिकॉज I could feel that Guruji self telling me a satsang sun a tere vaste. Because he was narrating satsang of his father, ki kaise uske father was on the bed and bahut takleef mein the, to Guruji ne unko bola tha, they karam katare. So this is the message we got from one of the sangat, ki not in hospital vich rakhe, no grah katte hai, jo ye kar rahe hai, iske karam hai, jo kata raha hu. Mere saath rahe hai, to kat rahe hai karam. So it was a very loud message, came back home, then 28th January, my husband tells me, I want to eat something. So, kuch, give me something soft to eat. Maine idli banayi. I gave him idli. So, he had half idli, half chhod diya unhone. And then, abhi wo kha hi rahe the, I get a call from again from Bhati uncle. He says, ki aunty, main abhi dhyan mein baitha tha. Guruji, mere dhyan mein aaye. I saw him sitting on your dining table, eating idli. Aadhi unhone khai, aadhi unhone aapke husband ko di. Aur bola, ja, tenu theek kita, khush rahe, kalyan kita. तो एज एन अंकल मैंने तो अभी इडली बना के दी है उनको, कहते बस तुम शाम में आज थोड़ी सी संगत को बुलाओ, साउथ इंडियन बनाओ और गुरुजी को खिलाओ। सो आई डिड दैट एंड उसके बाद अंकल की जो एकदम से रिकवरी शुरू हुई, इट वाज लाइक विद इन 2 weeks ही वाज अप एंड बैक टू सेवा अगेन इन मंदिर। सो शुक्राना गुरुजी, बट हम इंसान हैं, मन में हमारे कहीं एक था कि गुरुजी क्या हुआ था, इतना सब तय, सब कुछ नेगेटिव, बट हुआ क्या था कि कुछ भी नहीं निकला, बट इतनी तकलीफ सब कुछ। सो ऐसे ही आफ्टर दिस 1 or 2 months वी वेंट फॉर वन सत्संग एंड
सत्संग से आज्ञा लेके उठ के निकलने लगे तो एक आंटी ने बोला, अंकल बैठ जाओ, सत्संग सुन के जाओ। सो जब उन्होंने सत्संग नरेट करा और जब उठने लगे से, अंकल तुम्हें पता है सभी गुरु जी कैंसर लोग खारिश बदल देते हैं। बोथ ऑफ अस लुक एट ईच अदर बिकॉज वी गॉट दैट मैसेज वेरी लाउड एंड क्लियर कि क्या हो सकता था और गुरु जी ने उस चीज को क्या एक छोटे बुखार में बदल के अंकल का कल्याण कर दिया। सो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना से। और ये जो मैं अब इतना शुक्राना कर रही हूँ ना, इसको शुक्राने बोलते हुए मुझे बहुत टाइम लग गया, शुक्राना करना भी गुरु जी ने सिखाया। सो ऐसे धीरे धीरे हमारी सेवा मंदिर में शुरू हो गई। देन अगैन माई अंकल, बिकॉज गुरु जी ने अंकल को 3-4 लाइव्स दी हैं। देन 2012 में अगैन, इट वॉज 5th March, ही हैड सम पेन इन हार्ट एंड स्टमक में पेन था एंड आर्म्स में पेन था। एंड वी वेंट टू डॉक्टर, जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, सेड कोई नहीं, देखो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है तो ये तू दवाइयाँ ले, यू विल बी फाइन। मंडे का दिन था, वी केम टू मंदिर, हिज पेन वॉज इंक्रीजिंग। चाय प्रसाद दी, समोसा प्रसाद दिया, और तब चाय प्रसाद समोसा प्रसाद पीछे जो पेंट्री है वहाँ से मिलता था। और तब पिया एंड इसे मेरा और मन है, इतने पे माली अंकल आए, उन्होंने दो समोसा प्रसाद अंकल को और दिया और चाय प्रसाद ही, बोलो अंकल ये खाओ। एंड खा के हम घर आ गए, बट हिज पेन स्टार्टेड इंक्रीजिंग, वो इतनी बढ़ गई कि अनबियरेबल हो गई। आई कॉल माई डॉक्टर, ही सेड कि आप इनको हॉस्पिटल ले जाओ एंड एंजियोग्राफी कराओ। सो वी वेंट टू दिस हॉस्पिटल मेदांता, एंड उसका और हमारे घर का रास्ता 1.5 घंटे का है। एंड इट वॉज अ पीक आवर्स, एंड यू नो पीक आवर्स इन दिल्ली गुड़गांव इट्स वेरी वेरी बैड। Pray to Guruji, within 20 minutes, my daughter was driving the car, within 20 minutes, we were in the hospital, and doctors gave him morphine ka injection diya, and jab tak, and I think within 4 to 5 minutes, he was in a operating procedure room mein chale gaye, and doctor started the procedure. Idhar abhi hum forms hi bhar rahe the, and uske baad, the doctors ne hume bataya ki do arteries block hai, ek 90% aur ek 89%, aur do stunts dalenge. So it was Guruji's meher. Itne log us din, when my husband came out of the table procedure, unse sab kuch ho gaya bahar aaye, there was a line of people waiting for the procedure to get done, and my husband was there in 4 minutes. And my husband says, doctors tells him ki aapka jab main procedure kar raha tha uske dauran ek time tha, my husband also tell me ki 2 minute ka tha, when I went into deep slumber, I don't know where I was, and the doctor says wo 2 minute jo aap स्लंबर में थे, वो आपकी पेस जो हार्ट की बीट थी वो बहुत कम हो गई थी, इट वर इट केम टू 20, एंड मुझे नहीं समझ आ रहा था सर कि क्या करना है। ही वॉज अ न्यू डॉक्टर, एंड कहता पता नहीं कहाँ से गुड सेंस प्रिवेल्ड ऑन मी, मैंने पेस मेकर लगा के आपके हार्ट को स्टेबलाइज किया, इंस्टेंट स्टार्टिंग। एंड दैट वॉज द टाइम माई हस्बैंड सेज ही कुड फील गुरुजी स्टैंडिंग इन येलो चोला एट द बैक ऑफ हिज हेड एंड सेइंग, एंड ही वाज टेलिंग गुरुजी बच्चे बहुत छोटे हैं, तो गुरुजी ने कहा उनको तो चिंता ना कर, मैं नाल खड़ा हैगा, कुछ नहीं होएगा। सो गुरुजी टुक केयर ऑफ हिम, ही केम बैक टू उसके बाद वो अपना आईसीयू में उनको शिफ्ट कर दिया। और जब ये हार्ट की प्रॉब्लम हुई, 2 दिन पहले मेरे अंकल को एक ड्रीम आया, कोई अलका आंटी है जो उनको ढूंढ रही है, कुछ देना चाहती। सो हमने संगत से पूछा, कोई अलका आंटी से सिद्ध तो बहुत तलका की बात कर रहे हैं। तो जो उस दिन रात को अटेंडिंग डॉक्टर थी, हर नेम वॉज अलका। सो गुरुजी ने वो भी पहले अंकल को बता दिया कि ये एक है जिनको मैं तेरी रक्षा के लिए, तेरे को देख रेख के लिए भेज रहा हूँ। एंड माई हस्बैंड सेज वो उस लेडी डॉक्टर ने इतना ध्यान रखा, शी वॉज कॉलिंग हिम एन अंकल, यंग गर्ल थी, एंड सेज पूरी रात थी शी वॉज लुकिंग आफ्टर हिम सो वेल। सो एंड उसके बाद जब सुबह डॉक्टर आया, ही वॉज लुकिंग कि क्या डैमेजेस हुए हैं, एंड माई अंकल आस्क्ड हिम कि क्या डैमेज हुआ है। डॉक्टर सेज आप जिस कंडीशन में आए थे, हार्ट डैमेज कुड हैव बीन 70%, बट अभी मैं देख जस्ट 40%, डोंट वरी, यू विल बी फाइन सून। उसके बाद हम घर आ गए, और घर में अगेन जब लोग मिलने आते तो ही गॉट ब्लिस्टर्स ऑन हिज टंग, कुछ खा नहीं पाते थे। तो 3-4 दिन कुछ नहीं खा पाए। अगेन आई गेट अ मैसेज फ्रॉम मानव गुरुजी संगत की, गुरुजी कह रहे जैसे भी हो उसको बोलो मंदिर आके खत्म करें। सो बड़ी मुश्किल से भी टू द मंदिर लेके गए। वहाँ पे थर्सडे का दिन था, ही हैड बंच पाती चटनी बड़ी मुश्किल से जल प्रसाद के साथ, एंड वो खाते ही अगले दिन 90% ऑफ हिज ब्लिस्टर्स ऑन टंग वाज गॉन, एंड ही वाज फाइन, स्टार्टेड ईटिंग एवरीथिंग।
सो ये गुरुजी का लंगर, इसके बारे में हियर एक मिनट मैं बोलूंगी कि कई बार हम जैसे लंगर कहीं जाते हैं, मंदिर जाते हैं, किसी के घर सत्संग पे जाते हैं, लंगर हमारे स्क्रीन पर कहते हैं ओ इतना लंगर नहीं, क्यों लंगर की महिमा वही खत्म हो जाती है जब हम लंगर की प्लेट को देखे बोले बहुत ज्यादा है हम नहीं खा। लंगर आपके पास जो है टेक इट एज योर मेडिसन, ये लंगर गुरु जी की सबसे बड़ी देन है हमें, इट्स योर मेडिसन, आपके कलह कलेश रोग कुछ भी हो दिस इज एक ही इलाज है लंगर गुरु जी का। आप उसको प्रेम से, जितने प्रेम से, जितने विश्वास से आप उस लंगर को करोगे सारी ब्लेसिंग्स आपको उस लंगर में मिलेंगे। दिस इज व्हाट हैपेंड विद माय अंकल, उन्होंने लंगर खाना शुरू करा, सेवा दोबारा वापस शुरू हो गई, सेवा अंकल की लंगर हॉल में ही लगी हुई थी, बेसमेंट में तब लंगर होता था, उनके लंगर में ही सेवा लगी हुई थी। सो लंगर जो बचता था, जो नीचे गिरता था, ही यूज्ड टू हैव दिस लंगर विद दिस फेथ कि ये मेरी दवाई है, गुरु जी आपने मुझे इससे ठीक करना है। एंड गुरु जी शोड मी अ ड्रीम कि जो तेरा अंकल ए लंगर खाता है ए उदी दवाई है ए इहदे नाल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एंड वही हुआ एंड स्टार्टिंग गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम द संगत, मंदिर जाते थे सेवा के लिए, ओ आंटी चिंता तो करते हो, गुरु जी ने तो अंकल को नया हार्ट दे दिया, यंग हार्ट हो गया, अंकल का तो बच्चों वाला हार्ट हो गया, डोंट वरी बहुत जल्दी अंकल फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। और वही हुआ, बीच बीच में जब हम डॉक्टर्स के चेकअप के लिए जाते थे तो डॉक्टर यूज़ टेल अंकल कि नहीं आपने तला नहीं खाना, घी नहीं खाना, बट दैट वाज वी वर ईटिंग इन द लंगर, समोसा प्रसाद की हलवा प्रसाद। सो हमने उस डॉक्टर को नहीं बताया कि अगर बताते तो वो कहता है कि आप ये सब क्या खा रहे हो। एंड फाइनली जब एक साल के बाद उनका पूरा प्रॉपर थॉरो चेक हुआ, TNT स्ट्रेस ई को सब कुछ, सो डॉक्टर सेड यू हैव अ हार्ट ऑफ अ यंग चाइल्ड, गो एंजॉय योर लाइफ। सो शुक्राना गुरु जी, फिर से अंकल को एक नई जिंदगी, एक नई हेल्थ प्रोवाइड दी उन्होंने, जो अंकल के इतना ब्लेसिंग्स उन्होंने गुरु जी ने अंकल को दी। सो संगत जी ऐसे ही जब अंकल का ये होना शुरू हुआ, द सेकेंड टू दैट टाइम माई डॉटर वॉज इन कॉलेज एंड शी वॉज डूइंग आर्किटेक्चर एंड शी वॉज इन फिफ्थ ईयर, उसको आगे बाहर पढ़ने जाना था, शी वॉन्टेड टू डू हर ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलम्बिया इन न्यूयॉर्क। तो उसने पहले तो जो उसकी ग्रेजुएशन हुई, शी वॉज अ हार्ड वर्किंग गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, शी वॉन्टेड टू टॉप आउट कॉलेज, उसको बड़ा मन था मैं कॉलेज टॉप करूँ, गोल्ड मेडल लूँ, एंड शी वॉज वर्किंग हार्ड ऑल्सो फॉर दैट। तो लेकिन जब उसकी थीसिस हुई एंड जो उसने प्रोजेक्ट बनाया, जो बाहर से फैकल्टी मेम्बर्स आए, उन्होंने उसकी थीसिस को बोला नो दिस इज नॉट थीसिस यू वांट, सो एक तरह से उन्होंने उसकी थीसिस को बहुत मतलब रिजेक्ट, तुम पर बहुत मार्क्स मुझे पता नहीं दिए, वो तो बाद में पता चला कि दिस इज नो दिस इज नॉट द थीसिस वी वर लुकिंग फॉर, सो इट इज ओके। एंड उस दौरान जब जिस दिन उसका एक थीसिस था, आई गॉट अगेन गॉट अ कॉल फ्रॉम माई भाटिया अंकल, ही सेड आई वॉज सिटिंग इन ध्यान टुडे, गुरुजी केम इन माई विजन एंड एक पेपर पर लिख के गए हैं गोल्ड मेडल रिकमेंडेड टू अंकिता चाचला। तो जब वो घर आई तो मैंने उसको ये बताया, कहती मम्मा हो ही नहीं सकता, मेरी थीसिस बहुत बुरी गई है, एंड दे रियली उन्होंने बहुत उसमें से चीज़ें निकाली कि ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। तो शी वॉज इन टीयर्स कि मम्मा ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे बेटा अगर गुरु जी ने बोला है सो लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, आई एम श्योर इफ गुरु जी सेड गोल्ड मेडल तो यू विल गेट गोल्ड मेडल। एंड संगत जी बिलीव मी, जब उसका रिजल्ट आया, नॉट ओनली शी टॉप द कॉलेज, शी टॉप द कॉलेज, शी टॉप द सब्जेक्ट्स एंड थीसिस में शी गॉट द गोल्ड मेडल। एंड टॉप इट ऑफ कि जब उसका कॉन्वोकेशन हुआ तो जो गोल्ड मेडल दे रहे थे वो थक गए, तो उन्होंने जिस बंदे ने उसकी उनकी वो करी थी थीसिस को रिजेक्ट करा था कि नो ये आपकी थीसिस अच्छी नहीं है, ही ओनली गेव दैट गोल्ड मेडल टू माय डॉटर। तो गुरु जी ने वो भी दिखा दिया कि जिसने तेरी रिजेक्ट करी थी उसी ने तेरे गले में गोल्ड मेडल निकाल डाला। सो देन नाउ शी वॉन्टेड टू गो टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड शी गॉट एडमिशन इन दैट, वो भी गुरु जी की मेहर, और बहुत जल्दी उसका सब कुछ वीज़ा एंड एवरीथिंग वी स्टार्टेड द प्रोसेस। बट क्योंकि अंकल उस टाइम बीमार हुए थे एंड फाइनेंसेस हमारे बहुत धीरे धीरे, उस टाइम वाज अ टाइम दे वर कमिंग वेरी डाउन, ही वाज इनटू कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज वर कमिंग डाउन, तो फाइनेंसेस भी हमारे धीरे 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 से ख़राब होने शुरू हो गए। बट गुरु जी की मेहर और कृपा, वी कुड सेंड हर कि जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट था और जो कुछ भी था वो सब हम इकट्ठा कर पाए, दिखा पाए। एंड आई वॉन्टेड टू डू सत्संग बिफोर शी वॉज गोइंग टू US, गुरु जी से मैंने आज्ञा मांगी सत्संग की। एंड मैं मंदिर एक दिन गई एंड
मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी शी इज गोइंग, आई वॉन्ट टू शुक्राना सत्संग, आप बताओ मुझे कब करना है. सो गुरु जी गेव मी अ डेट 16th April एंड शी वॉज लिविंग ऑन 23rd April. एंड संगत जी बिलीव यू मी, 16th April को सुबह उसके ऑल वीजास, ऑल करेंसीज, एवरीथिंग वॉज इन अवर हैंड्स इन द मॉर्निंग. एंड शाम को सत्संग हुआ एंड 23rd उसको हम US छोड़ने गए. वहाँ भी गुरु जी ने उस पर बहुत मेहर रखी है, बच्चा बाहर है, ऐसे पेरेंट्स लोग हमारे. शी गॉट अ फ्लैट वहाँ पे उसने लिया विद अनदर गर्ल एंड वो फ्लैट भी थोड़ा सा महंगा पड़ा, बट लेटर ऑन गुरु जी शोड अस, वहाँ सुनामी आया, सब पूरे मैनहट्टन में पानी था, बट दिस वॉज द एरिया मैनहट्टन में जहाँ पानी नहीं था, पूरे मैनहट्टन में लाइट नहीं चली गई थी, बट इसका ये जो बिल्डिंग थी सिर्फ उसी बिल्डिंग में लाइट थी एंड वी कुड टॉक टू हर एवरी डे ऑन स्काई. सो अब वो वहाँ थी और मुझे कभी कभी लगता था गुरु जी शी इज अलोन देयर. तब उस टाइम में न्यूयॉर्क में इतनी संगत नहीं थी, अब तो बहुत संगत है, उस टाइम इतनी संगत भी नहीं थी न्यूयॉर्क में. एंड मुझे लगा कि बच्चा वहाँ अकेला है. यूज टू प्रे टू गुरु जी प्लीज टेक केयर ऑफ हर, एंड गुरु जी ने ध्यान रखते थे उसका हर छोटी बड़ी बात का. एवरी डे सेकेंड डे शी टेल मी कि आज ये हुआ एंड ऐसा हो गया. सो आई कुड फील दैट गुरु जी इज टेकिंग केयर ऑफ हर. एंड उसका जब वहाँ पे फाइनली जब उसका रिजल्ट वगैरह आना था, एंड अगेन वी वेंट फॉर अ कन्वर्सेशन एंड उसने पूरे बहुत अच्छे तरीके से अपना 1 year का जो कोर्स था करा. तो जब रिजल्ट आना था तो मैंने ऐसे गुरु जी को प्रे करा, गुरु जी यहाँ पे शी सच एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे इसको कोई प्राइज नहीं मिलेगा, यहाँ पे शी इज नॉट गेट एनी कुछ भी इसका नहीं है, इसने यहाँ पे इसने थीसिस करी है. सो एंड उससे जब मैं सुबह प्रे कर रही हूँ तो रात को गुरु जी ने मुझे ड्रीम दिखाया कि 2 सरदार जी आए हैं एंड दे आर कॉलिंग फॉर अंकिता एंड दे गेव हर 1 packet विद मनी. सो नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट फॉर द कॉन्वोकेशन एंड अगेन वहाँ पे उन्होंने इसका जो ग्रुप था दे टॉप दैट थीसिस जो इन्होंने वहाँ पे करी थी एंड वहाँ पे इनको कैश प्राइज मिला था. सो शुक्राना गुरु जी फॉर टेकिंग केयर ऑफ हर एंड शी कुड डू सो वेल. अब बच्चा था, वापस आई, उसको H1 visa नहीं मिला, उसको वापस आना पड़ा. ये भी गुरु जी की प्लानिंग थी कि H1 visa नहीं मिला, वापस आई, बट यहाँ पे शी सेड कि मैं यहाँ पे इतना पढ़ने के बाद मामा आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, आई वांट टू गो बैक. तो वो वापस चली गई कि चलो वहाँ पे जाके आई लुक फॉर अ जॉब. जॉब तो उसको मिल गई बट नाउ शी वॉज देयर और मुझे यहाँ लग रहा था शी इज 26 गुरु जी, बाहर है बच्चा, आई वॉन्ट कि उसकी अब शादी हो जाए तो मुझे लगेगा कि देन आई बी कम्फर्टेबल कि उसकी शादी हो गई है. बिकॉज एज अ पेरेंट्स आई एम श्योर हर माँ बाप की इच्छा होती है कि राइट एज पे एक बच्चे की शादी हो जाए. स्टार्टेड प्रेइंग टू गुरु जी अगेन कि गुरु जी रेडी आप उसकी शादी हो जानी चाहिए. एंड देन वी केम टू नो कि शी कॉल्ड अस वन डे दैट वन ऑफ हर कलीग जो उसके साथ उस कोर्स में था वो ही वाज इज अ फॉरेनर, अमेरिकन है एंड and he she really likes him and wo bhi he proposed her for the wedding but she says I'll say yes only if you say agar aap manoge to. to pehle to maine kaha nahi aise bahar foreigner ke sath, but I said maybe gorgeous wish. then that boy said that he wants to come to India meet us. he came to India aur isse pehle sangati jab wo India aaya thode din pehle usse pehle kuch mujhe dream dikhaya एक सत्संग हो रहा है, गुरु जी बैठे हैं पिंक चोले में बैठे हैं और मैं मेरे को बुलाते हैं, मैं जाती हूँ उनको माथा टेकती हूँ एंड वो खड़े हो जाते हैं, स्माइल करते हैं और एक इशारा करके चले जाते हैं. तो मैं देखती हूँ गुरु जी ने कहाँ इशारा करा एंड आई सी एक गुरु जी के गद्दी के साथ ही एक और छोटा सा एक चौकी सी पड़ी है, वहाँ पे एक बहुत हैंडसम सा एक लड़का बैठा हुआ. तो मुझे लगा कि जिसके घर सत्संग पे गई हूँ वो भी अपनी लड़की के लिए लुकिंग फॉर अ मैच, तो हो सकता है उसके लिए दिखाया हो. एनीवे कुछ बोला नहीं बट ऐसे वापस आ गए. वो सत्संग में मैं देख के कुछ मेरे को समझ नहीं आया कि गुरु जी ने क्या दिखाया. सो व्हेन दैट बॉय केम टू आवर हाउस तो ही वाज अ बॉय जो गुरु जी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था. सो एंड वी रियली लाइक द बॉय एंड उसने अपने पेरेंट्स से हमारी बात कराई. आई बिलीव यू मे संगत जी, शायद मुझे यहाँ पर मैं लड़का ढूंढती खुद तो मुझे इतना प्यारा लड़का नहीं मिलता जो गुरु जी ने उसको हमारी लाइफ में भेजा. सच अ नाइस बॉय, पेरेंट्स वर सो नाइस और हम शादी फिक्स कर दी. बट नाउ दिस वॉज अ टाइम, ये टाइम था, दिस इज द टाइम जब गुरु जी ने मुझे अपना दिल से अंदर से शुक्राना करना सिखाया. गुरु जी बताया कि मैं क्या कर सकता हूँ बिकॉज हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे. द फाइनेंसिस वर रियली रियली बैड. शादी तो फिक्स कर दी बट पता नहीं थी कहाँ से शादी करेंगे,
वहां से अमेरिका से भी 30-35 लोगों ने आना था. रायन के पेरेंट्स बॉयज नेम वाज रायन, उसके पेरेंट्स ने आना था, फ्रेंड्स ने आना था उनका ठहराने का, शादी करने का. हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या करेंगे कैसे करेंगे. सो स्टार्टेड अगेन प्रेइंग टू. तो उस दिन दौरान हमें एक सत्संग सुनने को मिला कि एक अंकल गुरु जी के पास जाते थे एंड बोलते थे कि गुरु जी मेरी कुड़ी का ब्याह है. गुरु जी कहते फिर सानू की. तो एक आंटी ने उनको बोला कि अंकल आप ऐसे क्यों बोलती हो, टेल गुरु जी इट्स योर डॉटर्स बर्थडे. एंड अंकल जब फिर अगली बारी गुरु जी के पास गए तो उन्होंने कहा गुरु जी थोड़ी कुड़ी का ब्याह. तो गुरु जी कहते तेनू की फिर. सो आई स्टार्टेड प्रेइंग टू गुरु जी कि गुरु जी आपकी बेटी है, आपने शादी करनी है, वी डोंट हैव एनीथिंग, कैसे करना है, बट मेरे इतने ड्रीम्स हैं कि मैं इतना कुछ करना चाहती हूँ, फर्स्ट वेडिंग इन द फैमिली. सो मुझे नहीं पता कहाँ से करेंगे, सो प्लीज गुरु जी आपने जो करना है आपने कर. स्टार्टेड गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम द संगत कि ड्रीम में आपका घर देखा, बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेटेड था, शादी हो रही है, गुरु जी बहुत बड़ी प्रेजेंस है. तो बहुत मैसेजेस ऐसे आने शुरू हो गए. और एक दिन मेरे अंकल ऐसे ही बैठे कुछ पेपर्स में थ्रू जा रहे थे एंड सडनली फाउंड कुछ म्यूचुअल फंड्स हमारे जो हम भूले बैठे थे 15 लाख से, वो हमारे निकल आए, विच वॉज अ गुड अमाउंट. शादी करनी थी पे मेरे पेरेंट्स थे, संगत ने इतना साथ दिया. गुरु जी कहते थे, कह गए थे ना कि परिवार और वाकई संगत परिवार. पूरा टाइम शादी में दे वर स्टैंडिंग राइट विद अस एंड कितना शुक्राना करूँ मैं उसका, बहुत 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 कम है उस चीज का. सो स्टार्ट तैयारी करनी शुरू करी. और जैसे शादी नवंबर में थी, फरवरी में अगेन पे मेट विद एन एक्सीडेंट. अंकल मैं कहीं से आ रहे थे, अगर मेट विद एन एक्सीडेंट एंड अंकल की राइट आर्म में एक बोन्स काफी टूट गई थी, काफी 5-6 बोन्स टूट गई थी, मेरे भी राइट हैंड में टूट गई. एंड अगेन तो ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, सर्जरी हुई. और जब उनकी सर्जरी हुई जिस रूम में वो थे, मेरे भी राइट हैंड में प्लास्टर था, उनके भी राइट हैंड में था. तो जहाँ उनकी सर्जरी हुई तो जिस रूम में उनको रखा गया, तो सामने से मुझे ताज विवांता एक 5-स्टार होटल नजर आता था. और ऐसे ही पता नहीं मन में मैं बोलती थी गुरु जी कभी मेरे पास पैसे होंगे ना आपका सत्संग यहाँ पे करूँगी जरूर. एंड जब मेरी बेटी की शादी का टाइम हुआ, सोचा कि सत्संग करना है, गुरु जी केम इन माई ड्रीम से सत्संग ताज विवांता करना है. When I told my husband about this, he says, कैसे हो सकता है शादी के लिए पैसे इतनी मुश्किल से हम इकट्ठे कर रहे हैं, तो ताज विवांता कहाँ से सत्संग रहे हैं. नो इट्स गुरु जी हुकम, गुरु जी के ड्रीम में आया तो सत्संग तो ताज विवांता ही होना, जैसे होगा गुरु जी जाना. सो अगेन एक संगत के अंकल, वेरी नाइस अंकल, he took us to ताज विवांता. तो वहाँ का जो चेयरमैन थे, he was very nice. He said कि आप क्यों फिक्र करते हैं, योर डॉटर इज माई डॉटर. उसने अपने मैनेजर को बुलाया कि इनका सत्संग यहाँ पे होना है एंड ये जो भी देंगे आपको एक्सेप्ट करेंगे. बट देन ही सेड कि आपकी जो डेकोरेशन होगी वो मंदिर में ईशा आंटी करती हैं, वो करेंगी. आई माई सेल्फ आई डू डेकोरेशन फॉर सत्संग. आई सेड मैंने तो सोचा था मैं करूँगी, अब वो ही तो ये अगेन और खर्चा आ गया. बट अगेन ईशा वॉज वेरी नाइस. ही सेड कि मेरे इट्स माई गुरु जी की विश है और ये मेरा बहुत बड़ा, मैं इतनी लकी हूँ, इट्स माई इट्स अ अपॉर्चुनिटी गुरु जी ने मुझे दी है कि किसी की बेटी की सत्संग में मैं डेकोरेशन करूँ. सो शी डिड द डेकोरेशन. तो एंड ऑफ कोर्स वी गेव हर वॉट एवर वी कुड. एंड उसने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि आपने चोला बना लिया, ऐसे नहीं सिर्फ ओके यू जस्ट मेक गुरु जी का एक आपने दुपट्टा बनाना है पूछा कलर का, रेस्ट आई विल सी. सत्संग का आज विवांता हुआ एंड जो चोला उसने चढ़ाया, शी टोल्ड मी लेटर ऑन कि ऐसे क्योंकि एक दिन मैं मंदिर भी गई थी तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे प्रे कर रही थी. तो शी मेट मी देयर एंड शी सेड गुरुजी कह रहे हैं चिंता नहीं करो सब कुछ बहुत बढ़िया होएगा. तो शी सेड कि जब आप प्रे कर रहे थे उस दिन उनको मंदिर से कोई गुरुजी का चोला मिला था एंड तो मैंने कहा गुरुजी क्या करना है मैंने. तो कहते मुझे गुरुजी ने बोल रहा है कि ये चोला आपकी बेटी का जो शादी है उसमें वो चोला लगेगा. सो शी वो चोला वो बुलाई, वो चोला गुरुजी को चढ़ा. आई मेड ओनली द शॉल फॉर गुरुजी, बच्चों ने भी उसमें मेन सब गुरुजी को थैंक करने के लिए पुट लेसेस अपने हाथ से कि तू थैंक गुरुजी, हम कुछ क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए कुछ भी नहीं, उनको प्यार ही दे सकते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है गुरुजी को देने के लिए. और सत्संग बहुत ब्यूटीफुल हुआ, सब कुछ एवरीथिंग, शादी इट वॉज सो ब्यूटीफुल. जो आ रहा था कह रहा था कि इट इज अ ड्रीम वेडिंग और गुरुजी की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हर जगह सबको महसूस हो रही थी. एवरीथिंग वेंट ऑफ सो ब्यूटीफुल एंड दैट वॉज द टाइम आई अंदर से मेरे गुरु जी के लिए
पहली बारी आफ्टर माई डॉटर्स वेडिंग शुक्राना निकलना शुरू हुआ और मुझे लगा कि गुरुजी शुक्राना वर्ड भी आपके लिए बहुत छोटा है। ऊपर से बहुत बड़ी शुक्राने कर रही थी, कभी शायद मैंने दिल से नहीं करा और अब मैं बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ आपका कि ये कोई नहीं कर सकता था आपके अलावा, बिकॉज मेरे पास कुछ नहीं था, बट आपने जो किया इट वॉज कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि जो वेडिंग आपने गुरुजी ने कराई, कलरफुल वेडिंग एवरीवन, एंड आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम संगत कि सब बहुत खुश जाएंगे, रिलेटिव्स बहुत खुश जाएंगे, सब दूर दूर से आए थे, फ्रॉम दूसरे स्टेट से आए थे, एवरीवन सेड कि बहुत ही सुंदर शादी हुई, ऐसी शादी हमने देखी नहीं, क्योंकि जब उसकी मेहंदी भी हो रही थी तो हमने अपने घर के छत पे करी थी, चारों तरफ मोर आ गए थे, एंड इट वॉज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी, सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वेडिंग। तो उसका तो शुक्राना तो खैर मैं पूरा जिंदगी भी मैं करती रहूँ वो भी बहुत कम है मेरे गुरुजी के लिए। सो ऐसे ही उसका शादी हो गई, एंड देन संगत जी अब सत्संग बहुत है बट एक दो सत्संग अपने बेटे के शेयर करूँगी। माई सन वॉज जब उसको ही वॉज होटल मैनेजमेंट कर रहा था एंड वो थोड़ा सा नॉटी बच्चा है एंड रात रात भर ड्राइव करता था और लेट आता था, तो मुझे बड़ी चिंता होती थी। एंड संगत जी गुरु जी के पास आने के बाद ना एक सबसे और जो प्यारी चीज़ मुझे लगता है कि हुई कि जो गुरु जी ने बच्चों को संभाला, बच्चों को अपने साथ जोड़ा कि बच्चों की आपको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो मुझे लगता था कि मैं पूरी पूरी रात सोती नहीं थी कि कब आएगा। सो देन अगेन एक दिन मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़ी हुई, गुरु जी आपका बच्चा है आता लेट आता है, मुझे नींद नहीं आती और मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाती, इज़ योर सन आप संभालो उसको, मैं अब आराम से सोऊंगी। और वो दिन आज का दिन है, मैंने आज के बाद कभी चिंता करी नहीं, गुरु जी लुक्स आफ्टर देम। सो जब ये कॉलेज में था तो इसके दो सत्संग आए शेयर, ही वॉज इन उदयपुर और वहाँ पर एक रात कोई बच्चे कहीं बाहर पार्टी में गए तो इसकी जो गाड़ी की चाबी थी वो लेफ्ट गाड़ी की बूट में ही रह गई, एंड देन ही कॉल्ड अस कि आप प्लीज मेरे को डुप्लीकेट की सुबह, बिकॉज उदयपुर जाता रहता था तो कुछ बाय एयर भी जाता था तो कुछ उसके फ्रेंड्स भी बन गए थे कि उसने कल आना आप भेज देना। वो सुबह सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी, संगत जी उस दिन हमारे घर सत्संग था और इसका बर्थडे था मेरे बेटे का 2 दिन बाद और सत्संग था, तो ऐसे उसने मेरे हस्बैंड को बोला पापा पतले हो गए, यू कैन वेयर माई कुर्ता। सो माई हस्बैंड वॉर हिज कुर्ता एंड वी हैड अ ब्यूटिफुल सत्संग। और उस दिन सत्संग के रात में जो चाय प्रसाद और आई रिमेम्बर मालपुए बने थे बचे, हमने बोला कि चलो हम चलते हैं एंड गार्ड्स को दिया थे, रात को हम निकले, हमने वो चाय प्रसाद और मालपुए जितने गार्ड्स मिले थे, एक तो पुलिस वाले थे उनको दिया चाय प्रसाद मालपुए एंड घर आ गए। देन वापसी में वी गॉट अ कॉल कि उसकी जो चाबी है वो गाड़ी की उसमें पूंछ में रह गई है। तो ऐसे बेटा ऐसा तो नहीं होगा बट टोकी विल सेंड यू अगेन। सुबह इट वॉज मंडे, मंदिर जा रहे थे तो इसका फोन आया कि डोंट सेंड द चाबी, बिकॉज मैंने यहीं पे फोन कर ला शेवरले वालों को और उन्होंने आके वो गाड़ी खोल दी, सो नाउ यू कैन आई हैव द कीज़ विद मी। सो हमने कहा चलो ठीक है। तो जब हम मंदिर से वापस आ रहे थे अगेन वी गेट अ कॉल फ्रॉम हिम एंड ही सेज मम्मा आपके गुरु जी क्या चीज़ है, लास्ट टाइम क्या हुआ, ही सेड आपसे बात करके मैं सो गया एंड मुझे ड्रीम आया कि मैं रात को अपनी गाड़ी चला रहा हूँ और मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी के नीचे एक मोटरसाइकिल आ जाती है एंड मुझे नहीं पता वो जो मोटरसाइकिल जो चला रहे थे वो बंदा बचा है कि इज नो मोर, क्योंकि सब पुलिस वाले सब लोग मुझे मारने को आ रहे हैं मुझे और मैं इधर उधर भाग रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। सो संगत जी आप ये देखो उस दिन रात को जो सत्संग में बचा मालपुआ प्रसाद, हमने वो गार्ड्स पुलिस वाले जो मिला हमने उनको वो एज अ प्रसाद दिया, और अगर वो चाबी ऊट में रात को ना रही होती वो ड्राइव कर रहा होता और जो गुरु जी ने जो उसके पे मुश्किल जो एक उस पर एक प्रॉब्लम आनी थी वो गुरु जी ने उसके ड्रीम में दिखा के उसको कहा कि अगर तू ये गाड़ी चला रहा होता तो ये होना था। शुक्राना गुरु जी, फिर से शुक्राना आपका। एक और इसका कि वॉज गोइंग टू आगरा विद हिज फ्रेंड, रात को गया एंड रात को जब सुबह अगले वापस आ रहा था और 5 लोग थे ये लोग एंड 2 आगे बैठे थे 3 पीछे बैठे थे, दे वर कमिंग बैक फ्रॉम यमुना एक्सप्रेस वे, बहुत वो बहुत बड़ा एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है, वहाँ पे बहुत खाली सी रोड है, इनफैक्ट नींद ही आ जाती है वहाँ पे चलते चलते क्योंकि ट्रैफिक इतना वहाँ पे होता नहीं है। एंड दे वर कमिंग बैक टू अपने सिविल लाइन जहाँ इनका हॉस्टल था, तो जो बच्चे इसके साथ गए थे से इसकी यू आर अंगद यू गोइंग टू गुड़गावा, तो हम यहाँ से ऊबर लेके चले जाते हैं तो तू सुबह शाम को आ जाना, तो इसे ठीक है बट एक जो इसका फ्रेंड उसका नहीं या अकेला कहाँ जाएगा, आई गो विद हिम। वो जो इसका फ्रेंड था वो इसके साथ चला गया और वो दो जो 3 अलग और इसके फ्रेंड्स थे दे टुक एन ऊबर एंड
वो अलग से चले गए। नाउ दे आर कमिंग बैक फ्रॉम दैट आगरा और रस्ते में इसकी आंख लग जाती है एंड इज ड्राइविंग कार ऑन 150 की स्पीड पे गाड़ी चल। इसकी आंख लग जाती है और गाड़ी लेफ्ट साइड पे जाती है, पटरी से टकराती है एंड वहां पर कोई पोल नहीं है, पूरे उस एक्सप्रेसवे में कहीं पोल नहीं है। पता नहीं वो एक पोल कहाँ से आ जाता है, गाड़ी उस पोल से जाके टकराती है और दो हिस्सों में हो जाती है क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी और उसके साथ जो इसका फ्रेंड बैठा था, जब उसने देखा गाड़ी लेफ्ट जा रही है, उसने हैंड ब्रेक खींच ली तो गाड़ी वो एकदम से टर्न होके पोल से टकराई और पोल से जाके गाड़ी दो पीसेस में हो गए, बिल्कुल दो पीसेस जैसे कहते हैं। एंड इट वॉज इन द मॉर्निंग वी गेट अ कॉल फ्रॉम हिम कि बाई चांस पता नहीं मेरे ही मन में क्या आया, मैंने ही कॉल किया तो मुझे पता नहीं क्यों एकदम से घबराहट से मैंने कहा अंगद, तो इसे हंच मामा आई जस्ट कॉल यू बैक एंड मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। एंड देन 10 मिनट्स बाद ही कॉल्स हिज पापा एंड फादर एंड सेज कि पापा आई मेट विद एन एक्सीडेंट, आई एम फाइन, मेरे साथ मेरा फ्रेंड था वो भी ठीक है एंड गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई है एंड पुलिस आ गई है। सो वहाँ पर भी कोई संगत थी, पास ही कैलाश हॉस्पिटल था, संगत को हमने फ़ोन किया, संगत पहुँची, वो इन लड़कों को कैलाश हॉस्पिटल ले गई। एंड जब मेरे हस्बैंड घर से निकले, कहते जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा सामने गुरु जी का स्वरूप था, गुरु जी ने एकदम बोला बचा लेता है दोनों मुंडिया नो। एंड कहते जब मैं वहाँ गया गाड़ी देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इसमें से तो कोई बच ही नहीं सकता था। नेक्स्ट डे वेन आई वेंट एंड सॉ दैट कार संकट जी, द कार वॉज कुछ था ही नहीं उस गाड़ी में और एक एक चीज उस गाड़ी की टूट चुकी थी, कुछ बचा नहीं था पीछे जो ऊट में लैपटॉप सूटकेसेस व्हाट एवरीथिंग वाज इनटू पीसेस। ये बच्चे दोनों के, और अगर वो पीछे वो तीन बच्चे बैठे होते उन्होंने तो बिल्कुल बचना ही नहीं था, ये बच्चे कैसे बच गए, इट्स ऑल गुरु जी में है। सिर्फ नाक पे दो स्टिचेस आए और वो जो इसका फ्रेंड था उसके पीछे एक हल्का सा बम्प सा आया था, ही वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर 15 days बट अगेन ही वॉज फाइन। और इनको भी एक दिन के बाद इसको ये तो घर आ गया। एंड उसके बाद संगत जी जब तब गुरु जी हमारे घर में हर मंथ सत्संग कराते थे, तो जब दो दिन बाद ही सत्संग था, सत्संग में हम मैं और अंकल भोग लगा रहे हैं गुरु जी को एंड शब्द चल रहे हैं चरना दी मौज बड़ी एंड उसमें गुरु जी का लाइन आती है कि गुरु नानक देव जी सो रहे हैं, दासी तुलसा उठाने जाती है तो वो उठते नहीं है, तो जब उनकी माता तृप्ता उठाती है तो कहते हैं कि मेरे किसी भक्त का जो जहाज था वो डूब रहा था, मैंने अपने मोटे तक रखे हुआ ऐसे कि डूब ना जाए। द सेम थॉट गुरु जी गिव्स इट टू अस कि और पोल नहीं सी, मैं सी जरा खड़ा हो गया सी जाके नीचे, बच्चा ने मुंडे दोना ने बचना नहीं सी। When we shared it, we were just looking at each other. कि the same thought Guruji gave it to us कि it was me, it was not pole, it was me कि जो बच्चों को मैंने बचाया। अब that was a turning point for my son's life also. He got connected to Guruji, started coming to mandir, doing seva in mandir. और अपनी गाड़ी में तो जैसे ही बैठता है पहले उसके शब्द चलते हैं, बाद में वो कुछ और लगाता है। This was turning point for him also as बिकॉज वो जो इसके साथ लड़का गया था उसको लगी एंड उसके पेरेंट्स मदर वॉज क्वाइट इन्फ्लुएंशियल, तो उसको लगा बिकॉज ऑफ माय सन ये सब हुआ है, वो ही सबको ले गया था। तो जो कोर्स ही वाज डूइंग जो आगे OCRT कर रहा था, दे कॉल्ड हिम एंड दे सेड यू रिजाइन, और क्योंकि अगर हम आपको निकालेंगे तो आपको आगे मुश्किल होगी तो यू हैव टू रिजाइन। तो उसको एक साल बाद वो छोड़ना पड़ा, वो डिसिप्लिनरी एक्शन छोड़ना पड़ा, बट दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर हिम बिकॉज गुरु जी ने उसको अपने साथ जोड़ा एंड आज वो जहाँ पे है इट इज़ ऑल गुरु जी मेहर। जो गुरु जी उसके साथ, जो गुरु जी ने उसको काम करवा रहे हैं, ही इज डूइंग सो वेल, थैंक यू गुरु जी, सब गुरु जी की मेहर। सबसे पहले तो मेहर कि उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ जोड़ा, कहाँ वो इतना बच्चा नॉटी, अब नाउ ही इज़ लाइक टोटली चेंज पर्सन, टोटली चेंज पर्सन। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये कभी इतना ऐसे भी कभी होगा। सो इट्स ऑल गुरु जी मेहर। सो बहुत शुक्राना है गुरु जी का। और भी बहुत सत्संग है संगत जी, बट एक सत्संग और करूँगी कि स्टार्ट अंकल के सत्संग, अपना एक सत्संग सेवा का पहले करती हूँ कि ये से सत्संग मुझे अपने बहुत मेरे हार्ट के दिल के करीब है सत्संग, बिकॉज मुझे लगता है कि जो हम सब कहते हैं कि सेवा जी करनी है, सेवा करनी है, और हम कहते हैं कि गुरु जी सेवा दो, तो सेवा जब गुरु जी चाहते हैं ना आपको सेवा की तभी मिलती है, और अगर सेवा नहीं मिली तो इसका मतलब आप सेवा नहीं की, आपको सेवा की ज़रूरत ही नहीं है। सो ऐसे ही जब हम गुरु जी के साथ जुड़े थे एंड मंदिर में जाती थी सेवा के लिए, गुरु जी ने शुरू से ही अपनी सेवा बख्श दी थी थर्सडे के लिए,
तो तब वहां पर बड़ा फंक्शन होना था, तो मुझे लगा कि मुझे बड़े फंक्शन पे सेवा करनी है. सो आई आस्क्ड, मैं जो कोऑर्डिनेटर अंकल थे उनके पास गई और मैंने उनको बोला कि अंकल मुझे सेवा करनी है. तो अंकल ने बोला कि आंटी सेवा तो कोई नहीं है, आप वॉशरूम में सेवा है, आप वॉशरूम सेवा में जाके अपना नाम लिखा लो. तो मुझे लगा कि वॉशरूम सेवा, देखो एकदम से लगा कि वॉशरूम में सेवा थोड़ी करनी है मुझे. तो मैंने कहा ठीक है अंकल, और मैं तब बेसमेंट में लंगर होता था और कोई जब सेवा नहीं होती थी तो वहाँ जाके बैठ जाता, बैठ गई और मैं कह रही हूँ मैं वॉशरूम में, गुरुजी मुझे वॉशरूम में सेवा दे रहे हो, मुझे आप कोई और अच्छे से सेवा देते, वॉशरूम में क्यों सेवा मैं करूँ, मैं नहीं करूँगी वहाँ सेवा. तो वहाँ बैठी थी एक आंटी मेरे पास आके बैठी और उन्होंने मुझसे पूछा आंटी सेवा चाहिए, कोई सेवा मिलेगी? सर हाँ जी आंटी, मैं अभी अंकल से पूछने आई हूँ, वॉशरूम में सेवा है, यू वॉन्ट टू सेवा देर, आप अपना नाम जाके लिखवा दो. एंड वो तो आंटी जैसे एकदम से खुश हो गई, शुक्राना गुरु जी आपने चलो मेरे लिए सोचा, मेरे लिए इस लायक समझा कि मैं सेवा कर सकूं, थैंक यू सो मच गुरु जी, मैं अभी जा रही हूँ आंटी नाम लिखवाने जा रही हूँ. एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग एट आंटीज फेस कि जिस सेवा को मैं छोटी सेवा समझ रही थी कि वहाँ सेवा मैं क्यों करूँ, दिस आंटी सो हैप्पी टू डू सेवा देयर, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं सेवा को मना कर रही हूँ. एंड मैंने गुरु जी से बहुत माफिया मांगी, सर आई एम सो सॉरी गुरु जी, मैं इस सेवा को छोटी सेवा समझ रही हूँ, क्या पता मेरे कितने कर्म आपने उस सेवा में कटा देने हैं. एंड संगत जी मैं ये कह के हटी थी, द नेक्स्ट शब्द उसी टाइम मंदिर में शुरू हो गया, गुरु पीरा की चाकरी महा कड़वी सुख सा. सो गुरु जी ने मुझे बताया कि गुरु की जो चाकरी है होती तो बड़ी कड़वी है जो सेवा की पर हमें देते हैं, बट महा सुख सा जो सेवा देखो दे रहा हूँ वो सेवा, उसी सेवा से शायद मेरे कर्म कटने हैं, उसी सेवा पे शायद गुरु जी ने मेरा पता नहीं क्या कल्याण करना है. उसी टाइम मैं गई, मैंने वहाँ पे अपना सेवा में नाम लिखाया एंड आई डिड दैट सेवा फॉर 2 इयर्स एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल सेवा. मुझे लगता है उससे कोई सुंदर सेवा है ही नहीं है. सो शुक्राना गुरु जी सेवा को, सेवा का सेवा करने के सिखाने के लिए भी शुक्राना. सो संगत जी सत्संग अभी अंकल करूँ और क्या, अभी बस जैसे आप बोले. हाँ जी आपको जैसा ठीक लगे गुरु महाराज जैसा आपको आगे दे. अच्छा ठीक है, तो मैं अंकल अपने अंकल के दो सत्संग और करती हूँ, स्मॉल सत्संग है. सो दिस वाज लास्ट ईयर होली के टाइम मैं और अंकल कहीं से बाहर से किसी का डिनर से आ रहे थे एंड अगेन पीछे से किसी ने गाड़ी में हमारे एक्सीडेंट, गुरुजी ने बहुत कराया बट हर बार ही सेव्ड अस ऑल्सो, शायद हमारे कर्म ही जो हमारे कहते हैं गुरुजी जो कष्ट है उस गाड़ी पे ही निकाल रहे थे. वो गाड़ी को पीछे से किसी टोर यंग लड़के थे देवर ड्रंक, उन्होंने पीछे से आके गाड़ी को बहुत जोर से हिट किया और गाड़ी पूरी 360 डिग्री घूम गई. इट वाज अ सब वे था और टकराई जाके साइड में. तो पहली बात तो जय गुरु जी निकला मुँह से, कोई चोट नहीं आई कुछ नहीं हुआ, गाड़ी बहुत डैमेज हो गई थी पीछे से, उसका एक्सल टूट गया था. सो हॉस्पिटल तो जाना पड़ा कि कोई अंदरूनी चोट ना हो, बट अंकल वॉज फाइन, वापस आ गए. एंड 2 दिन बाद अंकल ने बोलना शुरू करा कि मेरे चेस्ट में थोड़ी सी पेन है, लगता है कि वो जो झटका लगा है उससे शायद पेन हो रही है, बट वो पेन अगेन बढ़ती चली गई. मंदिर सेवा कर रहे थे तो पेन काफ़ी बढ़ गई. घर आ गए, माय सन टुक हिम टू द हॉस्पिटल अगेन. तो वहाँ जाके जो जिस डॉक्टर ने अंकल के स्टंट्स लगाए थे, बाई चांस तो क्या ही बोलूँगी गुरु जी की मेहर थी, वही डॉक्टर वहाँ मिल गए. मैं ही डिसाइड की डोंट वरी, आप अपना एक एंजियोग्राफी कर लेते हैं कि कुछ निकले ना, कैट स्कैन करते हैं, कैट एंजियोग्राफी करते हैं, उसमें आपका कुछ निकलेगा तो पता चल जाएगा. तो वो करा तो उसमें पता चला कि जो स्टंट्स है उसमें कैल्सिफिकेशन हो गई है, वो आर्टरीज जो है अगर उसमें कैल्शियम आ गया तो वो ब्लॉक हो गई. तो ऐसा है जिसके लिए तो मुझे प्रोसीजर करना पड़ेगा. और संगत जी आप देखें ना कि अगर वो एक्सीडेंट ना होता हमें इस का पता ही नहीं चलता. पेन हुई भी वेंट टू हॉस्पिटल अगेन. तो डॉक्टर ने जब प्रोसीजर करा एंड एक आर्टरी वो खोल पाया, दूसरी पूरी नहीं खोल पाया बिकॉज जो स्क्रैच हो गई आर्टरी से. एंड ही स्टॉप द प्रोसीजर, ही सेड कि मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा क्योंकि आर्टरी स्क्रैच हो गई है, ब्लड आ रहा है और ये इट्स नॉट गुड. तो ये हम 1 महीना रुकेंगे और 1 महीने के बाद आपका दोबारा से प्रोसीजर करेंगे, तब तक आपको मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, मेडिसिन खाइए. तो मेडिसिन देनी शुरू करी. उस दौरान मैं मेरे को बाहर जाना पड़ गया, माई डॉटर वॉज इन अ फैमिली डे. तो जब सेकेंड प्रोसीजर होना था आई वॉज नॉट हेयर एंड प्रे टू गुरु जी की सेकेंड प्रोसीजर है, गुरु जी आप प्लीज बी विद हिम. तो इस दौरान जो 1 महीना बीच में था, एक संगत आंटी ने अंकल को कोई दवाई बना के दी थी, स्टार्टेड टेकिंग दैट दवाई एंड स्टार्टिंग प्रेइंग टू गुरु जी. गुरु जी बहुत मुश्किल होती है ऐसे टांगे
पूरा मतलब सीधी करनी पड़ती है, इट्स वेरी पेनफुल, तो मुझे दोबारा वो प्रोसीजर नहीं कराना और मुझे पता है आप नहीं कर पाओगे, मैं जब डॉक्टर के पास बोलूँ जाऊँगा नील से कि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो एक महीने के बाद जब वो प्रोसीजर हुआ एंड डॉक्टर थोड़ी देर में ही उससे हुआ, उसने तो माय हस्बैंड से क्या हुआ, ही सेड कि मुझे तो प्रोसीजर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही बिकॉज वो आर्टरी जो आपकी ब्लॉक थी वो तो अपने आप से ही खुल गई है, सो आई एम नॉट डूइंग एनी प्रोसीजर, आप बिल्कुल ठीक हो और जो बाकी की जो भी बची जो थोड़ी सी रहेगी वो आपकी मेडिसिन जो आप ले रहे हो इससे ठीक हो जाएगी। सो लाइक उन्होंने प्रे करी, गुरुजी मुझे नहीं वो प्रोसीजर कराना, आई एम श्योर डॉक्टर से कहा कि कोई ज़रूरत ही नहीं है प्रोसीजर की, इट्स ऑलरेडी ओपन, एंड वही डॉक्टर ने बोला कि उनको दोबारा प्रोसीजर कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो अपने आप से विद मेडिसिन और गुरु जी को प्रे करने के बाद खुल गए। सो अगेन थैंक यू गुरु जी फॉर दैट, एंड द लेटेस्ट सत्संग इज अभी फेब्रवरी में ही गॉट का अगेन स्टमक पेन हुई, और पहले तो हम जैसे घर में ही मेडिसिन ले लेते हैं, वी टुक दोज मेडिसिन एंड ठीक नहीं हुआ तो अगेन वी टुक हिम टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए, बोला इंट्रावीनल देना पड़ेगा, पेन बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। हमने कहा नहीं हम घर में ही इनको इंट्रावीनस दे देंगे, हॉस्पिटल के एडमिट करना है, बट नेक्स्ट डे पेन सबसाइड नहीं हुई, बहुत पेन होती रही एंड again we had to admitted him to the hospital, got him admitted to the hospital, wahan pe doctors ne jo test leke diye the ek lipase koi test hota hai, it is related to pancreas, to jab us test ki report aayi to it was counts were very high, the doctor tha is a pancreatic attack aur he ko hospital admit hona hi padega, so hospital admit hue, he was there in the hospital for 6 days and jis din admit hue I got a call from my friend, aise humne kahin satsang pe jana tha, to she said ki मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो थी, सर क्या हुआ, सर ऐसे ऐसे मेरे अंकल को ऐसे ऐसे स्टोन बारी, प्रे टू गुरु जी ही बी फाइन, एंड फोन रखा ही था 2 मिनट्स बाद अगेन शी कॉल, शी सेज ओ माय गॉड, 2 दिन पहले ही आई वाज सिटिंग विद सम ओल्ड संगत आंटी एंड वो सत्संग कर रही थी पैनक्रियास का, एंड शी वाज सेइंग कि गुरु जी कहते सी डॉक्टर हर शरीर का थोड़ा अंग ठीक कर सकता है, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਕਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਐ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਮੈਸੇਜ ਫੋਰ ਯੂ, ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਨਕਰੀਆਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਆਪ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਜੋ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ एवरी डे टू प्रे टू गुरु जी मेडिटेट कि गुरु जी अंकल के पैनक्रियाज आपने ठीक करने हैं और कोई नहीं ठीक कर सकता, आप उनसे अपना हाथ फेरो, एंड ही हैज़ टू बी फाइन, एंड 6 डेज के बाद ही केम होम एंड पेन बिल्कुल खत्म हो गई थी, कम हो गई थी, तो बट मेडिसिन ऑफ कोर्स चल रही थी, सो धीरे धीरे करके ही वॉज फाइन, एंड देन मुझे लगा कि और अंदर से बहुत फीलिंग आ रही थी गुरु जी को शुक्राना करना है, कि गुरु जी को शुक्राना कर, सो ऐसे गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूँगी, पहले मैंने सोचा 2-4 आंटीज को बुला के कर लूँगी, बट देन गुरु जी के मेरे थॉट कि शुक्राना करना है तो अच्छे से कर, सो आई वी डिड अ सत्संग शुक्राना, एंड संगत जी इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस, जिस दिन शुक्राना सत्संग करना था सुबह अगेन आई गेट अ कॉल फ्रॉम वन आंटी एंड शी टेल्स मी कि आज आपके घर में आप शुक्राना सत्संग कर रहे हो, एंड आई वॉज लिस्निंग टू कोई जूम पे सत्संग आ रहे हैं, एंड वो सत्संग सिर्फ पैनक्रियाज के ऊपर ही वो 2-3 संगत ने करा है, इट्स ऑल अबाउट पैनक्रियाज एयर डूइंग सत्संग, एंड गुरु जी मुझे बार बार बोल रहे हैं कि आपको बोलने के लिए कि आप वो सत्संग सुनो, मैंने लॉग इन करा सुना एंड इट वॉज द सेम सत्संग कि गुरु जी कहते थे कि पैनक्रियाज मैं अपने हाथ में शक्य हो सिर्फ मैं ही ठीक कर सका, सो गुरु जी वे ऑफ टेलिंग मी कि मैं ठीक किया, सो शुक्राना गुरु जी अगेन, बिकॉज जब ये बात हुई 2-3 दिन बाद ही मैंने एक देयर वाज दिस एक्टर उसका मैं पढ़ रही थी दैट बिकॉज ही वाज अ हार्ट का पेशेंट था, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक और उनको भी 2 दिन पहले पैनक्रियाज अटैक हुआ था, सो बिकॉज इसका रिलेशन हार्ट से भी होता रिलेट पैनक्रियाज का, एंड थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर लुकिंग आफ्टर माई फैमिली माई किड्स, आपका तो मैं जितना ही शुक्राना करूँ बहुत बहुत, सत्संग बहुत है, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, सो मैनी ब्यूटिफुल हम कहते हैं छोटे बट वो पता नहीं कितने बड़े सत्संग हैं, आप कभी कभी फिर आपकी आज्ञा होगी आपकी मेहर होगी गुरु जी तो मैं सत्संग जरूर दोबारा शेयर करूँगी, सो अंकल आज इतना ही शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना आपका फॉर गिविंग मी अ चांस टू अ सत्संग, और कोई भूल चूक हो किसी का दिल दुखा हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, जय गुरु जी अंकल। Thank you so much, auntie. Such a beautiful section.
I'm going to share this कि if सबको ये बात पता होगी कि डेजी आंटी का सत्संग यूट्यूब पे काफी सारे हैं एंड इवन yesterday only सीमा आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर किया. हाँ जी आपने बोला रिकॉर्डिंग पर जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसा कीजिएगा. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जैसे आपको ठीक लगेगा. नहीं, आई विल टेल यू क्या मेरे दिमाग में था. डेजी आंटी का मैंने कई बार यूट्यूब पे इनके रिकॉर्डेड सत्संग देखे थे, तो आई थॉट कि मैं कभी सुनूंगा, पता नहीं. मुझे आपके गुणगान करने, लेकिन मेरे कोई सत्संग में बोलता है तो मैं घबरा जाती हूँ. बट दैट वॉज अ टाइम गुरु जी ने मुझे बोला टू स्टार्टेड राइटिंग अ सत्संग. तो मैंने पूरा अपना सत्संग लिखने शुरू करे, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं सत्संग कर सकती हूँ. बिकॉज नॉर्मली अंकल करते हैं सत्संग, ये तो गुरु जी की वजह से बहुत देर और केस है कि यार. क्योंकि आंटी मैंने ऑल ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैंने आज तक कभी आपका सत्संग नहीं सुना. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग यू. और ऐसे बहुत सारे संगत रहे हैं जिनका सत्संग मुझे कभी मालिक ने पहले नहीं सुनवाया, और जब लाइव सुनवाया है तो ऐसा सुनवाते हैं कि मतलब एक बार के लिए लॉन्ग टाइम खुल जाते हैं. बिल्कुल बांका हमारे साथ अंकल बहुत गुरुजी के तो ये तो देयर सो मेनी मोर सत्संग शो, मतलब बहुत टाइम बहुत लंबी बोलते हैं एवरीडे सत्संग, कुछ ना कुछ एवरीडे गुरुजी कर ही देते हैं कि बस वो सुबह उठते बस कहते हैं थैंक यू मालिक कि आप हम बस अपने साथ जोड़ी रखो, तो अपने साथ लगाए रहो, अपने चरणों से दूर मत करना, क्योंकि हमारी जिंदगी में अब कुछ और है ही नहीं आपके सिवा. वही कहते हैं ना माँ भी तो बाप, बाप माँ, माँ बाप, भाई बहन मित्र सब आपको गुरु जी. दुनिया बहुत दिखा दी अंकल गुरु जी ने भी कि सब कुछ दिखा दिया. सो इट इज ऑल इट्स ओनली हिम एंड हिम नाउ. थैंक यू सो मच आंटी, बहुत शुक्राना है. मालिक का भी इतना प्यारा क्षेत्र है. थैंक यू सो मच अंकल, शुक्राना गुरु जी. थैंक यू एंड